ऑफिस आ रहे हैं, सबको ऑफिस जाना होता है, तो अगर हम जाम में फंस जाएंगे तो हमको ऑफिस में लेट पहुंचते हैं, तो उसका बड़ा इफेक्ट होता है इस एरिया का, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जैतपुर जाम लगता है, ट्रैफिक काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और भारी मात्रा में जाम लगता है, वो जाम पहुँच जाता है कम से कम भी मतलब आली मोड़ तक पहुँच जाता है। 1 किलोमीटर जाम था, अब 1.5 किलोमीटर फालतू जाम बढ़ गया है। यहाँ पे सारी जो गुंडागर्दी चल रही है, एक विधायक साहब हमारे बने हुए यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के नरेंद्र शर्मा जी बनाए हुए यहाँ पे, वो जाम दी चाहे तो वहाँ से वो जाम हट सकता है, वो उनकी पता नहीं क्या निष्पक्ष चल रही है, क्या चल रहा है भगवान जाने, बस खाली उन्हीं के जाम से पब्लिक थोड़ी यहाँ पे परेशान ज़्यादा है। मैं अपने भद्रपुर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कनेक्टिविटी की, रोडों की, जाम की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी यहाँ पर। उसी को लेकर जो एक नहर है आपका जो नोएडा को जोड़ती है, कालंदी कुंज से लेके और आगरा कनाल नहर है, 17 साल पहले कभी वो कोई काली हुई थी, वो रोड वो टूटी पड़ी थी, हमारे बनने के कुछ दिन बाद ही हमने उस पर काम किया और आज वो नहर वाली रोड बन चुकी है। हाँ, इंक्रोचमेंट भी है और इंक्रोचमेंट का काम को कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और पुलिस कहीं ना कहीं आम आदमी के विधायक के द्वारा बताए गए सुझावों पर काम नहीं करती है। सीवर की कंप्लेंट हुई पड़ी है, सीवर की सब कंप्लेंट में कोई भी काम नहीं होता। सीवर को बोलिया आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे और रोज की यही करेंगे। ना झाड़ू वाले आते ढंग से, ना सीवर वाले आते, मतलब जाते तो वे दादा आते सीवर बड़े साहब और डंडा उठा रहे, भगे इधर भगे इधर भगे, छुट्टी फॉर्मेलिटी पूरी होती है और कुछ काम नहीं है। इधर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है लेकिन यहाँ पर कोई सफाई नहीं होती, कोई सफाई नहीं है। आप किसी भी सीवर के अंदर झांक के एक बार कैमरा लगा के देखिए, सब सीवर ब्लॉक है और ब्लॉकिंग की वजह से पानी दीवारों में रिसता है और जिससे कि नए मकान खराब हो जाते हैं लोगों के। तो मेरी बदरपुर विधानसभा में सिर्फ बदरपुर गांव में सीवर पड़ा हुआ है और कहीं सीवर नहीं है पूरी अनौतराज में, ना मोड़बंद एक्सटेंशन में, ना मीठापुर में, ना हरिनगर में, ना सौरभ विहार में, कहीं सीवर नहीं है। जो सीवर जल बोर्ड ने डाला है उसकी सफाई का काम जल बोर्ड देखता है और वो जल बोर्ड बाखूबी, क्योंकि बदरपुर गांव के अंदर मैं हर 3 महीने में सुपर सॉकर से सीवर साफ कराता हूँ। अभी मैं 12th क्लास में हूँ और मुझे आगे बीटेक करनी है, पर अभी हम मेरे यहाँ आसपास क्षेत्र में कहीं है नहीं अच्छा कॉलेज, तो मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लम है मेरे लिए कि आसपास अगर होता तो अच्छा रहता मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। 10th क्लास में हूँ, मुझे अगले साल PCB करनी है, पर मुझे MBBS करने के लिए यहाँ आसपास कोई कॉलेज नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे भी होना चाहिए था कोई आसपास। यहाँ पे 3-4 गांव है साइड में, साइडों में कहीं दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं है। पहले तो स्कूलों की भी व्यवस्था नहीं थी। मैं विधानसभा की जो हमारी एक पावरफुल विधानसभा जो हमें ताकत देती है, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन पुट अप किया है कि मेरे यहाँ लैंड है, ये गड्ढा खान है जो, इसके अंदर एक कॉलेज खोला जाए जिससे कि कम से कम हमारे क्षेत्र की बेटियों को तो कॉलेज मिल जाए।